यह 10 भारतीय खिलाड़ी को एशिया कप से बाहर रखना भारत को पड़ सकता है नुकसान झेलना। आइए जानते हैं वह कौन है 10 भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने एशिया कप में मौका देना चाहिए था। नंबर एक, चहल को एशिया कप में भारतीय टीम में ना लेना भारत को पड़ सकता है नुकसान। चहल ने अब तक 72 ओडीआई मैच खेले हैं, 121 विकेट लिए हैं, बेस्ट उनका 42 रन देकर 6 विकेट है। नंबर दो, रविचंद्र अश्विन पिछले एशिया कप में खेलने के बाद इस साल एशिया कप से बाहर कर दिया गया है। रविचंद्र अश्विन ने अब तक 113 ओडीआई मैच खेले हैं, 151 विकेट लिए उनका बेस्ट 25 रन देकर 4 विकेट है। नंबर तीन, वाशिंगटन सुंदर भारत के लिए लगातार ओडीआई मैच खेल रहे हैं। वाशिंगटन सुंदर अब तक 16 ओडीआई मैच खेल चुके हैं, उन्होंने 16 विकेट लिए, उनका बेस्ट रहा है 30 रन देकर 3 विकेट। नंबर चार, भारत के लिए सबसे खतरनाक साबित हो सकते थे शिखर धवन। आईसीसी क्रिकेट में अब तक सबसे शानदार बल्लेबाजी करते हुए 167 ओडीआई मैच में 6793 रन, उनका हाईएस्ट स्कोर 143 रन रहा है। नंबर पांच, भारत के सबसे तेज गेंदबाज उमरान मलिक को एशिया कप में ना लेना भारत को पड़ सकता है। भारी उमरान मलिक ने भारत के लिए अब तक 10 ओडीआई मैच खेले हैं, 13 विकेट लिए, उनका बेस्ट 57 रन देकर 3 विकेट है। नंबर छह, संजू सैमसन को एशिया कप में स्टैंड बाय प्लेयर के रूप में रखा गया है, क्या उन्हें मौका मिलेगा। संजू सैमसन ने अब तक 13 ओडीआई मैच खेले हैं, 390 रन बनाए, उनका बेस्ट स्कोर 86 रन साउथ अफ्रीका के खिलाफ रहा है। नंबर सात, भारत के एकमात्र स्विंग के नाम से मशहूर भुवनेश्वर कुमार को एशिया कप में ना लेना भारत को पड़ सकता है। भारी भुवनेश्वर कुमार ने अब तक 121 ओडीआई मैच खेले हैं और 141 विकेट लिए हैं। नंबर आठ, रवि बिश्नोई आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने के बाद उन्हें एशिया कप में लेना चाहिए। रवि बिश्नोई ने अब तक 1 ओडीआई मैच खेले हैं और 1 विकेट लिए हैं। नंबर नौ, क्या लगता है आपको शिखर धवन को और संजू सैमसन को एशिया कप में ना लेना भारत को पड़ सकता है। भारी, क्या डिजर्व करते थे भारत के लिए एशिया कप में संजू सैमसन शिखर धवन। क्या भारत को भुवनेश्वर कुमार, चहल और रविचंद्र अश्विन तीनों में से किसी एक को खिला सकते थे। अगर आपको मौका मिलता तो आप किसे खिलाना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।